नमस्कार, कठपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूँ आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज हम बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024। जी हाँ, यूजी का एग्जाम का टाइम टेबल यहाँ पर जारी हो चुका है। 21 मार्च से आपकी एग्जाम शुरू हो रही है, 14 मार्च से आपकी डिप्लोमा की एग्जाम शुरू हो रही है। ध्यान रखे तो डिप्लोमा कोर्सेज वाले विद्यार्थी उनको अपना पता है, ध्यान रखे उसके बारे में ऑलरेडी आपको सूचना दे दी गई थी। बात करते हैं 21 मार्च से जो एग्जाम शुरू हो रही है। हर बार वीडियो में आपको बता रहा हूं कि कौन कौन सी क्लासेज की एग्जाम शुरू हो रही है 21 मार्च से। ध्यान रखे फर्स्ट ईयर के वे विद्यार्थी जो पिछले साल फेल हुए थे एक्स स्टूडेंट के रूप में, जिन्होंने फॉर्म लगाया, उनके शुरू हो रहे हैं। बात करें सेकंड ईयर के विद्यार्थी बीए बीएससी बीकॉम जो ध्यान रखे रेगुलर है, नॉन कॉलेज है, एक्स है, उनके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। बात करें थर्ड ईयर की बीए बीएससी बीकॉम आप रेगुलर है, नॉन कॉलेज है, एक्स स्टूडेंट है, आपके एग्जाम शुरू हो रहे हैं। पीजी के विद्यार्थियों के एग्जाम अप्रैल में शुरू होंगे, ध्यान रखे उनका टाइम टेबल थोड़े दिनों में देखने को मिलेगा। बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। देखो टाइम टेबल आया, टाइम टेबल को लेकर अपडेट आपको पहले ही दे दी गई थी, सारी सूचना आपको समझा दी है। टाइम टेबल काफी विद्यार्थियों को समझ में नहीं आ रहा, उसको क्या करना है भैया, जो सेक्शन आपका दिया हुआ है ध्यान रखे रेगुलर है, बीए रेगुलर, तो बीए रेगुलर वाले सेक्शन में देख रहे हैं, ध्यान रखे अपने सब्जेक्ट चेक करेंगे, उसके सामने वाली डेट देख लेना, वो आपका सब्जेक्ट है, ध्यान रखे उसकी डेट्स वो होने वाली है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना, ऊपर समय दिया हुआ है ध्यान रखे। फर्स्ट ईयर का टाइम अलग दिया है, सेकंड ईयर का अलग दिया है और फाइनल का अलग समय दिया है, तो बिल्कुल भी टाइम टेबल को लेकर कंफ्यूज नहीं होंगे। अब जो विद्यार्थी कंफ्यूज है तो दो दिन और रह ले ध्यान रखे, क्योंकि आपका एडमिट कार्ड को लेकर अपडेट सामने है। एडमिट कार्ड कब तक आएंगे, क्योंकि एडमिट कार्ड में तो आपको यह पता चल जाएगा कि आपका जो एडमिट कार्ड है उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके एग्जाम किस डेट को होने वाले हैं, किस समय होने वाले हैं, सेंटर क्या रहने वाला है, इन सभी की जानकारी आपको एडमिट कार्ड में देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं एडमिट कार्ड को लेकर। देखो 21 मार्च से एग्जाम शुरू है बीए बीएससी बीकॉम के, ध्यान रखें क्लासेज मैंने आपको अभी बताई दी है, ध्यान रखें वीडियो स्किप करेंगे तो गलती आपकी है, ध्यान रखें कंफ्यूज आप ज्यादा होंगे। एडमिट कार्ड की बात करते हैं, कुछ सावधानियां होने वाली हैं जो आपको पहले ही बता रहा हूं, जब एडमिट कार्ड आएंगे तब भी आपको सूचना दे दी जाएगी कि क्या सावधानियां होने वाली हैं, पहले भी बता दूंगा। देखो भैया यूनिवर्सिटी की तरफ से अभी तक कोई फिक्स डेट नहीं आई है कि ध्यान रखें कि इस डेट को आपके एडमिट कार्ड आएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन एक नोटिस आया था एडमिट कार्ड को लेकर, उसमें डेट मेंशन नहीं की, उसमें एग्जाम डेट हमें देखने को मिली थी, उसके बारे में वीडियो ऑलरेडी आपको बना के दे दिया। हमेशा से क्या होता है कि यूनिवर्सिटी अपने एग्जाम के एडमिट कार्ड, देखो 21 से शुरू हो रही है तो 7 दिन पहले आपको एडमिट कार्ड देखने को मिलेंगे, ऐसा हमेशा से होता आया है। क्योंकि बीच में जो 7 दिन का समय मिलता है एग्जाम से और एडमिट कार्ड जारी होने के बीच में, अगर किसी के एडमिट कार्ड में दिक्कत होती है तो उसको सही करवाने का समय भी यूनिवर्सिटी देती है, इसलिए कम से कम 7 दिन पहले। तो ये मान के चलिए भैया 15 मार्च को आपके एडमिट कार्ड जारी होने की पूरी संभावना है, ध्यान रखें 15 को हो जाने चाहिए जितना मुझे लगता है, अगर पहले आए तो बहुत अच्छी बात है लेकिन 15 को तो होने ही चाहिए, ऐसा यूनिवर्सिटी की तरफ से अपडेट है। यूनिवर्सिटी भी कह रही है कि 15 मार्च तक हम एडमिट कार्ड जारी कर देंगे, ध्यान रखें। बात करते हैं सावधानियों से रिलेटेड, ध्यान रखें। अब एक चीज और बता देता हूं, एडमिट कार्ड कहां से हमें प्राप्त करना होगा, कैसे प्राप्त करना होगा, क्योंकि आप तो पहले ऑलरेडी जिन जिन क्लासेज की 21 से एग्जाम शुरू होने वाले हैं वो पहले भी एग्जाम दे चुके हैं तो उनको पता है कि एडमिट कार्ड कैसे निकलता है। मित्र के माध्यम से या फिर मोबाइल नंबर, मोबाइल से यूजर आईडी पासवर्ड इस बार होने वाला है, ध्यान रखें यूजर आईडी पासवर्ड आपने फोरम में भरते समय भी आया था, ध्यान रखें इस बार एडमिट कार्ड नाम वगैरह से नहीं निकलेगा, पहले बता रहा हूं आपको। यूजर आईडी पासवर्ड जो आपके पास अवेलेबल है जिससे आपने फोरम भरा था उसी को लॉग इन करना, ध्यान रखें किसी ने के फॉरगॉट कर लेना, अगर किसी के पास अवेलेबल नहीं है यूजर आईडी पासवर्ड, ध्यान रखें मोबाइल नंबर से फॉरगॉट हो जाएंगे और उसके बाद में नए आपके प्राप्त हो जाएंगे यूजर आईडी पासवर्ड, और उसके बाद लॉग इन करके वहां पे एडमिट कार्ड का ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान रखें जब जारी होंगे तभी इसका ऑप्शन देखने को मिलेगा, ध्यान रखें, और उसमें अपने एग्जाम डेट्स आपको देखने को मिल जाएंगे। तो ये अपडेट है एडमिट कार्ड को लेकर, ध्यान रखें। सावधानियों की बात कर लेते हैं, यूनिवर्सिटी ने एडमिट कार्ड की सावधानियों से रिलेटेड ऑलरेडी नोटिस डाल दिया, उसमें क्या है भैया, सबसे पहले चेक करेंगे आपका नाम वगैरह सारी चीजें सही है ना, दूसरा बात करें फोटो और साइन सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखें पापा का नाम, फोटो, साइन, ये सारी चीजें देखने को मिलेंगी, आपने जिस क्लास का फॉर्म लगाया था उसी का है ना, ध्यान रखें। दूसरा बात करूं कहीं कोई पेपर वगैरह का मिस्टेक ना होना चाहिए कि भाई जो आपने सेलेक्ट नहीं किया वो पेपर उसमें देखने को मिल रहा हो या फिर कोई गलत पेपर सेलेक्ट हो चुका हो, ऐसी जो सभी चीजें हैं ध्यान रखें उसमें देखने को मिलेंगे। अगर ओके है तो उसका प्रिंट निकलवा लेना, दो प्रिंट आपको निकाल के रखने, ध्यान रखें, और एग्जाम देने जाना है उसमें समय जो निश्चित दिया हुआ होता है, ध्यान रखें। तो एडमिट कार्ड से रिलेटेड अपडेट है, अगर कुछ गलती है एडमिट कार्ड में, लगता है कि कहीं फोटो में प्रॉब्लम है, कहीं पे साइन में प्रॉब्लम है, कहीं नाम में प्रॉब्लम आ रहा है, तो बिल्कुल ध्यान रखें, रेगुलर विद्यार्थी जाएंगे अपने कॉलेज वहां से सही करवाएंगे, ध्यान रखें। फोटो नहीं आया तो फोटो लगा के प्रिंसिपल का सील लगवा लेना, ध्यान रखें वहां से आपका एडमिट कार्ड बन जाएगा, ध्यान रखें सही हो जाएगा, ओके ठीक है। और बाकी चीजों में अगर दिक्कत आती है तो फिर क्या है कि यूनिवर्सिटी आपको विजिट करना पड़ेगा, नॉन कॉलेज विद्यार्थी यूनिवर्सिटी ही विजिट करेंगे, ऐसा ऑलरेडी नोटिफिकेशन में दिया हुआ है, ध्यान रखें जो आया हुआ था। तो ये अपडेट है राजस्थान यूनिवर्सिटी एग्जाम 2024
जो कि 21 मार्च से शुरू हो रही हैं। बाकी के क्लासेस के जैसे जैसे नोटिफिकेशन आते जाएंगे कंप्लीट डिटेल्स के साथ में चैनल पर वीडियो देखने को मिलेंगे। राजस्थान यूनिवर्सिटी के एग्जाम शुरू हो रहे हैं, राजस्थान यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी अपने सभी साथियों को सूचित कर देवे कि एग्जाम हो रहे हैं, कोई भी मिस ना करे एग्जाम। काफी विद्यार्थी कंफ्यूज चल रहे हैं एग्जाम डेट्स को लेकर, इसलिए मैंने पहले ही प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसको देख लेना भैया। लगातार वीडियो राजस्थान यूनिवर्सिटी से रिलेटेड देखने को मिल रहे हैं, कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है। फिर भी कोई सवाल अगर निकल के आता है तो इंस्टाग्राम के माध्यम से मुझसे बात करेंगे। इंस्टाग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है और टेलीग्राम व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, सबसे पहले अपडेट्स वहीं मिलती है। थैंक यू।